वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट बी. पार्ट बी, सो यू हैव टू ड्रॉ व्हाट? इनैन्शियोमर्स ऑफ टू ब्यूटेनॉल. इनैन्शियोमर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज आर फॉर्म देन दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल्स। ठीक है. सो ब्यूट टू ब्यूटेनॉल का आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है. ओके, इनैन्शियोमर्स. सो कंसीडर लाइक दिस, कैसे ड्रॉ कर सकते हो? CH2, CH4 कार्बन है ना. नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग हियर एज एच ओ एच एंड 1, 2, 3 एंड अगेन 1 ईयर कार्बन. ओके, नाउ वेन यू विल पुट द मिरर हियर, दिस इज वॉट CH2 CH3 है ये. ठीक है, CH2 CH3 एंड दिस इज अगेन वॉट CH3 CH एंड दिस 4 कार्बन की वैलेंसी. नाउ वेन यू विल ड्रॉ द इनैन्शियोमर्स हियर, देन क्या आएगा यहाँ पर? CH3 तो अपनी पोजिशन पे ही रहेगा. इस साइड क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और OH आ जाएगा, और इस साइड आपका CH2 CH3 आ जाएगा. यस एंड नो? यस मैम। तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होंगे जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे? नो नो मैम। नो. सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द इनैन्शियोमर्स ऑफ 2-ब्यूटेनॉल. ओके, दिस इज द इजी क्वेश्चन. आपको डेफिनेशन पता है तो आप इसके जो स्ट्रक्चर है आप इसको अरेंज कर सकते हो अपने आप. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट, विच विल हैव लोअर पीकेए वैल्यू. नाउ यू नो डेट कि जिसकी आपकी पीकेए वैल्यू जिसकी कम होती है वो उतना ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन की किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? क्लोरीन की क्लोरीन की. तो क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो एच प्लस किस में जल्दी रिलीज होगा? किसका जल्दी एच प्लस रिलीज होगा? मैम, कौन से ईयर का पेपर है? हु इज आस्किंग? हु इज आस्किंग? ओके, थैंक तो 1, 3, 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. फेब्रुअरी 2021 का आपका ये क्वेश्चन पेपर है. ओके, नाउ किसकी होगी? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, तो एच प्लस, यस एच पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी जल्दी आएगा, नो तो एच प्लस जल्दी रिलीज होगा. यस मैम, तो इसकी लोअर पीके वैल्यू होगी, तो हाँ एसिडिक होगा ये ज्यादा. मैम, यस मैम। बस ये तो गया आंसर, सिंपल है. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तभी आपको एक क्वेश्चन बनेगा. क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रिजिड फ्रेमवर्क। तो नहीं, वो ठीक है, डेफिनेशन इज करेक्ट. यहाँ पे आप क्या बताओगे नैन्सी? विच टू सिस आइसोमर्स और ट्रांस। सिस और ट्रांस? ओके, नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूल. ठीक है, ये कौन सा सिस होगा कि ट्रांस होगा ये? सिस सिस नाउ इसका ट्रांस क्या होगा? COH डायगोनली प्लेस कर देंगे। डायगोनल रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया आपका ट्रांस. तो ये क्वेश्चन इजी था. यस मैम। यस, है ना. नाउ केमिकल रिएक्शन कौन सी देते हैं ये? तो केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट यूजिंग केमिकल रिएक्शन? सो लीव दिस क्वेश्चन,
इसको बाद में बताऊंगी। जो एनहाइड्रेट देगा। हाँ, जो एनहाइड्राइड देगा, है ना, तो इसको अपन बाद में बताते हैं। एक और क्वेश्चन था जो आपको बाद में बताना है, वो रात की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। जो ऐसे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको अभी नहीं बता रही हूँ। एक और क्वेश्चन है ऐसा जो एक इसके पहले वाले पेपर में था। नाउ व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन द अमोनिया। सो दिस इज एनिलीन, ठीक है, एंड दिस इज अमोनिया। व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक, हु विल टेल मी इन दोनों स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा अगर अच्छे से जो पढ़। एनिलीन है उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वजह से लेस बेसिक क्यों है ये? बेसिक मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर हाँ, लोन पेयर के बेस पे बताओ, क्योंकि यहाँ लोन पेयर लोन पेयर डोनर। हाँ। तो अगर एनिलीन का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अगर ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो क्या ये डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहेगा? रहेगा क्या? नो मैम, कम बेसिक होगा। नाउ अमोनिया को देखोगे तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, इट कैन डोनेट इजिली, क्योंकि यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ विच अमोनिया इज मोर बेसिक एंड एनिलीन इज लेस बेसिक, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बताओगे एनिलीन के, तभी इसमें मार्क्स मिलेंगे, भले ये 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बिना रेजोनेटिंग के आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। शो द एरो जैसे मैंने आपको शो किया, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज वॉट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन इथाइन एंड HBr, ऑल्सो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। यस, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मैकेनिज्म इसको पढ़ाया है मैंने आपको, यस मैम, तो ये मैकेनिज्म इसका बनेगा। यस मैम, हाँ, रिएक्शन इज व्हाट? इथाइन, दैट इज दिस। नाउ HBr, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? CH3, हैलाइड व्हाट? बनेगा। हैलाइड एल्किन बनेगा। हैलाइड एल्केन, नाम बताओ। यहाँ प्रोडक्ट बोलो ना, CH2CH क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या होगा वो बोलो। प्रोपेन, 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 सॉरी इथाइन है ये, आई रोट प्रोपेन, इथाइन है। अब बोलो प्रोडक्ट। CH, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। ओके, नाउ HBr का अगेन एक बार अगर एडिशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक और H रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, या ऐड होगा, और Br भी ऐड होगा, क्या होगा यहाँ? सिंस इट इज हाइड्रो हैलोजिनेशन, सो क्या होगा? यहाँ एक और H आएगा और एक Br आएगा। Br CH Br CH। अच्छा, नैन्सी क्या आएगा यहाँ प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं? सविता, नैन्सी एंड ऑल, जिस जिसने पढ़ा है, कोमल, एवरीवन, क्या ये प्रोडक्ट सही है जो लिखा है यहाँ पे, अगर फर्दर इसमें हम HBr का एडिशन करते हैं तो? यस और नो? यस और नो? मैम ऐसा प्रोडक्ट देखा नहीं है। हाँ, देखा नहीं है, है ना? तो
यहां तक एच बी आर का एडिशन होगा, डेट इज वॉट. अगर आप यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट लिखते हो, तो सिंस यहाँ पे एच और एच दोनों साइड है, तो आप कहीं पे भी एच और कहीं पे भी बी आर दे सकते हो, है ना. तो आप सिर्फ प्रोडक्ट यहाँ तक लिखोगे एंड इसका मैकेनिज्म जो पढ़ाया है उससे रिफर करोगे, ठीक है. ये क्वेश्चन आपका मैकेनिज्म पे पूछा है, तो पहले तो रिएक्शन लिखना, देन मैकेनिज्म लिखना एंड प्रोडक्ट का नेम लिखना जो भी आपका बन रहा है. डेट इज ब्रोमो, दैट इज ब्रोमो. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट? ब्रोमोइथेन हाँ ठीक है ना. नाउ विच इज द मोस्ट स्टेबल, ये कार्ब एनायन की बात हो रही है यहाँ पे, तो विच इज द मोस्ट स्टेबल एंड द वाई. यस, विच इज द मोस्ट स्टेबल एंड द वाई? फर्स्ट वाला स्टेबल है क्योंकि वो प्राइमरी है, प्राइमरी नहीं, कार्बोकैटायन है। सेकेंड वाला है ना, क्योंकि वो सेकेंडरी है. अच्छा, ये कार्ब कैटायन है कि कार्ब एनायन है, पहले तो ये बताओ. कार्ब कैटायन बोल रहे हो आप, कार्बनायन। कार्बन कार्ब एनायन है. तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स है. कार्ब कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी होता था, बट कार्ब एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी होता है ना. होता है, चार्ज यस मैम, डेंसिटी बढ़ जाएगी ना बच्चों. यहाँ पे दो आपके CH3 जुड़े हुए हैं, अगर दोनों CH3 आपके जुड़े हैं, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट दे दे के चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे ना कार्बन पे, जिसके कारण आपका ये अनस्टेबल हो जाएगा. तो मोस्ट स्टेबल इज दिस बिकॉज ओनली वन फोल्ड इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर, है ना, क्योंकि ये प्राइमरी कार्ब एनायन है. कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज है. ओके, सो ये आपका एक और क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है ना. नाउ द क्वेश्चन अगेन, जो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया है, डेट इज वुड्स रिएक्शन. सो वुड्स रिएक्शन प्रोडक्ट लिखना है आपका, ब्रोमो आपका इथेन है, डेट इज दिस एंड द ब्रोमो प्रोपेन. इससे रिएक्शन हो रही है तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? सो वुड्स रिएक्शन क्या होती है पहले तो ये बताओ. मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला था कि ये रिएक्शन आती है. कार्बन को इनहेंस करने की रिएक्शन। हाँ, यू कैन से दैट, पर इसका प्रोडक्ट बताओ अब. CH3 CH2 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 CH3 अच्छा, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर इथर एंड एनए, OH सोडियम मेटल की प्रेजेंस में. नाउ बोथ दीज विल बी रिमूव, 2NaX आपका रिमूव होता था वुड्स रिएक्शन में. यस मैम। नाउ व्हाट विल बी रिमेन, व्हाट विल रिमेन? 3 कार्बन एंड द 2 कार्बन पेंटेन। पेंटेन. ओके, सो दिस विल बी व्हाट योर प्रोडक्ट, दैट इज वुड्स रिएक्शन का, ठीक है ना. नाउ यू आर गिवन अ क्वेश्चन दैट इज पेरिसाइक्लिक एडिशन, सो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, डोंट गो टू दिस क्वेश्चन, लीव दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू मैकेनिज्म ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? परऑक्साइड. सो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल और नॉट? एंटी मार्कोन। निकोव्स रूल, है ना. तो इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है. तो पहले स्टेप में सबसे पहले आपको बताया था मैंने, जो परऑक्साइड होता है वो ब्रेक होता है. जैसे आपने ये परऑक्साइड लिया है, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, आपका RO क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि यहाँ होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने एरो ही ऐसे बनाए हैं आपके. देन आपका सेकेंड पे क्या होगा, ये RO जो है फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करता है. HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ROH बनाएगा और Br फ्री रेडिकल बनाएगा. अब ये Br फ्री रेडिकल आपका अटैक करेगा किस पे, जो भी आपका प्रोपीन है जैसे, है ना. तो प्रोपीन पे अटैक करेगा, देन प्रोपीन पे अटैक करेगा तो ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा. देन उसके बाद ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा, है ना. उसके बाद आपका जो ये बनेगा, फिर से HBr के साथ रिएक्शन होगी. HBr के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव्स आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, डेट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा. ओके, सो ये आपका है व्हाट, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल 3 मार्क्स का. बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? यस मैम। यस, मैम 11th क्वेश्चन में पेंटेन नहीं है।
यस व्हाट सुश्री सविता आई मीन व्हाट सविता मैम ये 11th क्वेश्चन में ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें पेंटेन प्रोडक्ट नहीं आएगा? पेंटेन ही तो आएगा। अच्छा हाँ हाँ पेंटेन ही तो बोला अपन ने। यस तनिषा यू आर आस्किंग व्हाट कि वी हैव टू प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चंस आल्सो। सो यस यू कैन डू फॉर योर गुड सेक ओनली है ना। आप कर सकते हो प्रैक्टिस और अच्छे से। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ना उतना कॉन्फिडेंस आता है। बस बात ये है ठीक है तो कर सकते हो अच्छी बात है ना। नाउ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है नैप्थिलीन का एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन इट। तो नैप्थिलीन में कितनी रिंग्स होती हैं और एंथ्रासीन। टू हाँ नैप्थिलीन में 2 होती हैं एंड एंथ्रासीन में। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर पता है? दिस इज व्हाट। हाँ तो यहाँ पे दिस इज व्हाट नैप्थिलीन। नैप्थिलीन है ये। एंथ्रासीन में 3 रिंग्स होती हैं। सो ये प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं। एक येलो कलर का बनता है आपका क्रिस्टल्स बहुत प्यारे और एक रेड कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। सो आपको यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है नैप्थिलीन का। तो नैप्थिलीन का स्ट्रक्चर ये है दैट इज 2 बेंजीन रिंग। कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन एटम्स आपके यहाँ प्रेजेंट है। सो दिस इज वेरी सिंपल ठीक है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द कॉन्फिग्रेशन कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसमें आपके कॉन्फॉर्मेशन जो हैं एक बोट होता है एक चेयर होता है एक आपका होता है हाफ चेयर एक होता है प्लेनर। तो जब आप इसके कॉन्फॉर्मेशन देखोगे ना एक इसके पहले वाले पेपर में भी मैंने आपको ड्रॉ करके बताए थे ऐसे ऐसे कुछ है ना। ये देन ऐसे अजीब अजीब से इसके कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ होते हैं। जब आप देखोगे तो चेयर जो कॉन्फॉर्मेशन है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन कॉन्फॉर्मेशन। एंड बोट जो है आपका वो कम स्टेबल होता है क्योंकि चेयर की एनर्जी जो होती है ना वो कम होती है जब इसको हम करते हैं। इसमें रिपल्शन कम होता है टॉर्शन स्ट्रेन कम होता है। तो देर आर रीजंस जिसमें आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट स्टेबल वन ठीक है ना। सो नाउ कमिंग टू हकल्स रूल। सो हकल रूल का स्टेटमेंट क्या हो सकता है या क्या होगा। 4n+2 4n+ 5 इलेक्ट्रॉन्स हाँ तो इसको डिफाइन कैसे करोगे। साइक्लिक रिंग के लिए प्रेज साइक्लिक रिंग के लिए है कोप्लेनर एरोमेटिक कोप्लेनर होता है ये। आई जस्ट वॉन्ट यू द डेफिनेशन। एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आप मुझे बोल के बताओ तभी लिख पाओगे। स्टेट स्टेट करो कैसे यू विल डिफाइन दिस 4n+2 π इलेक्ट्रॉन्स। इन अ साइक्लिक रिंग देर आर अ 4n+2 π इलेक्ट्रॉन आर अ प्रेजेंट इन द होल नंबर, जैसे कि 2 6 8 2 6 10 एटसेट्रा। दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ठीक है। इफ यू हैव 4n+2 π इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एरोमेटिक इन एनी रिंग कंपाउंड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एरोमेटिक ओनली इफ द पाई इलेक्ट्रॉन और द वैल्यू ऑफ एन विल बी 1 2 3 और द पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 4 6 ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ विटिग रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा है। तो मैकेनिज्म विटिग रिएक्शन किस किस के बीच में होती है ये बताओ पहले। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको ये आ गया है। मीन्स डिफिकल्ट नहीं है बट मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है। पूरा ही इजी पेपर बना देंगे तो क्या होगा। अच्छा पहले इसका आईयूपीएसी नाम बताओ क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम। टू टू फिनाइल सिक्स इथेनॉल। ठीक है गुड। नाउ मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन। तो आपको बता याद होगा अगर तो विटिग रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में होती है और आपका प्रोडक्ट एल्कीन बनता है ना। और यील्ड आयन भी इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि होता है विटिग रिएजेंट
है ना। अब आपको इसका बोला है मैकेनिज्म, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जैसे मैं यहाँ पे आपको किसका एग्जांपल दूँ, मान लो ये आपका कीटोन है, इसकी आपकी रिएक्शन हो रही है यील्ड आयन के साथ। यील्ड आयन होता है इसमें, दिस इज व्हाट, फेनिल फेनिल फेनिल, ये फॉस्फोरस है, और यहाँ पे एक और जो ड्रॉ होता है डेट इज CH2, इस पे पॉजिटिव, इस पे लोन पेयर, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज यील्ड आयन और द विटिग रिएजेंट, ठीक है। इसके बीच में रिएक्शन एंड द एल्डिहाइड और द कीटोन, सो दिस इज कीटोन, इसके बीच में रिएक्शन होती है तो आपका बनता है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन बनता है डेट इज व्हाट, ये जो कीटोन आपने लिया था इसके और कार्बन के बीच यहाँ आर आर आ गया। नाउ यहाँ पे जो है एक और आर और एक और आर आ गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन आर एंड दिस इज वन आर डैश, नॉट आर, यर एच, एच है यहाँ पे एच, ओके। सो ये आपका एल्कीन बना है ना, ये दोनों आर ग्रुप्स, ये सी ओ जो बॉन्ड थी, ये ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, ये दो ऑक्सीजन के बॉन्डेड था ना, ऑक्सीजन दो बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, तो ये दोनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन आके, ये दो हाइड्रोजन आके यहाँ ऐड हो गए। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग एल्कीन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में आपका सबसे पहले ये ट्राइफेनिल क्या है, फॉस्फीन है। सो ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन आपका रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, फिर आपका बनता है एक आयन डेट इज ऑक्सी फॉस्फिटेन बनता है। देन इसके बाद उसका क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, रीअरेंजमेंट होता है, देन आपको एल्कीन मिलता है, ओके। सो इसका मैकेनिज्म रिफर करोगे कि मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊं? यस, यहाँ पर मैं बताऊं कि आप लोग इसको देखोगे अपने जो भी पढ़ाया उस चैप्टर में जाके? देख लेंगे, देख लेंगे। हाँ, या एक बार शॉर्ट में मैं यहाँ बता ही देती हूँ, डेट इज व्हाट पी पीएच एंड व्हाट अगेन, डेट इज पीएच है ना, यहाँ पे आपका पीएच, दिस इज R3 नॉट पीएच, तो ये ट्राइफेनिल आपका फॉस्फीन हो गया। यहाँ पे एक और R4, मतलब ये R3 R4 जस्ट ग्रुप मेंशन किए हैं, आपने यहाँ लिया है कीटोन, ये यहाँ R2 लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सी फॉस्फिटीन बनता है सबसे पहले, तो ये जो सिस्टम है, ये जो आपकी बॉन्ड होती है डेट इज ये जो कार्बन पे लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करने के बाद ये जो दो ऑक्सीजन की बॉन्ड्स हैं ये इधर शिफ्ट हो जाती है। इस शिफ्टिंग के कारण देयर इज व्हाट, ऑक्सीजन ये वाला और जो फॉस्फीन है ये वाला, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, फेनिल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाती है। इस बॉन्ड के कारण हम बोलते हैं इसको क्या, कि इट इज ऑक्सा फॉस्फिटीन, ठीक है। यह ऑक्सीजन की बॉन्ड बन जाती है, ये आर ग्रुप्स जितने जुड़े हुए हैं, पूरा सेम स्ट्रक्चर यहाँ लिख दोगे, देन इसका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता क्या है, PH PH3 वाली बॉन्ड, ऑक्सीजन वाली बॉन्ड ब्रेक होके आपको ये जो भी है एल्कीन रिस्पेक्टिवली यहाँ पे मिल जाता है, डेट इज आर आर एंड एक जगह दूसरा आर एंड दूसरा आर, जितने भी तीन चार आर थे, R1 R2 R3 R4, चारों यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे एंड यू विल गेट व्हाट, एल्कीन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसका मैकेनिज्म होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पेपर, सो देयर इज डिफिकल्टी लेवल, अभी तक जो दो पेपर हमने देखे उसमें थोड़ा सा, उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं था, डिफिकल्टी लेवल ऐसा इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ गया, बस और कुछ नहीं है। बाकी अगर आप बाकी के क्वेश्चंस देखोगे तो दे आर इजी, यस दे आर इजी और नॉट, अगर मैकेनिज्म नहीं पूछते तो ये पेपर इजी था, यस मैम, बट मैम एज कंपेयर टू 2022 का पेपर और 2022 में दिसंबर और जून वाले पेपर में, थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम कि इट्स मोर टिपिकल देन अदर्स। हाँ हाँ थोड़ा सा, बट नॉट दैट कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। यस मैम, इसमें से जैसे इतने सारे पार्ट ए में से 7 क्वेश्चंस थे, इसमें से आप 5 तो कर ही सकते हो। नाउ पार्ट बी में से इनएंशियम 8th बन जाता आपको, इफ मोटा मोटा देखे तो 9th बन जाता, 10th बन जाता। नाउ कमिंग टू व्हाट,
इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, तो इसमें से थर्टींथ बन जाता है आई होप सो। ठीक है, चार बन गए। अब आपके पास तीन के ऑप्शंस हैं, तो मेरे ख्याल से आप यही वाला चूज करते, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ ही चूज करते, फोर्टीन भी चूज कर सकते थे, है ना, बट इसमें मैकेनिज्म आ गया, इसलिए हो सकता है कि, और ये 4 मार्क्स का है ना, तो अगर आप ये वाला, आपको सेकंड बन जाता, फोर्थ नहीं बनता, तो उससे अच्छा तो चूज ये वाला करना है ना, क्योंकि इसमें से आपको दोनों बन जाते। यस और नो? यस मैम, क्योंकि एंटी मार्कोनिक्स और मार्कोनिक ऑफ जूल का मैकेनिज्म तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है ना, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द पेपर। अब कल की क्लास, कल आपका पेपर है, सो रात में सिर्फ एक बार हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, 1 3 का, 1 3 1 का, एंड देन टुमारो कितने बजे से पेपर है आप लोगों का? 10 o'clock मैम मॉर्निंग में है, बजे ठीक है, 10 to 2 ट्वेल्व घंटे का। यस मैम 2 घंटे का हाँ ठीक होता, है, डेट दो शीट में घंटे 3 घंटे का होता, लेकिन वैसे तो ठीक है।